नमस्कार दोस्तों, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह के कोर्सेज़ करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम्स अब आगे होंगे कि नहीं होंगे, और या फिर अभी अगली अपडेट क्या है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन विंग की वेबसाइट है, जिसे आप exam.du.ac.in इस तरीके से आप इसमें टाइप करके इसे आराम से खोल सकते हैं। और यहाँ पर ये आप अगर डेटशीट में जाते हैं, इसका होम पेज तो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, और इसकी डेटशीट में अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पर ये सारे लिंक मिलते हैं, जहाँ से आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की डेटशीट देखने को मिलती है। लेकिन इस वीडियो में मैं अभी बात करूंगा नोटिफिकेशन की, जो DU की तरफ से आया है। तो ये हम नोटिफिकेशन में जाएंगे, और इसमें ये जो पहला नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, ऑफिस ऑफ डीन की तरफ से 9 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है। और इसके अंदर अगर हम मेन जो बात करें, तो वो बात जो है वो कहाँ से शुरू होती है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर कॉलेज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड एंड एक्स स्टूडेंट्स आर हियर बाय पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस और ऑर्डर एंड द वेरियस डेट शीट इश्यूड इन दिस रिगार्ड स्टैंड विदड्रॉन। यानी कि सारे के सारे एग्जाम कैंसल हो गए हैं, सारे के सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, जब तक कोई नया अगला नोटिस या ऑर्डर नहीं आता तब तक। और जितनी भी डेट शीट अभी तक वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो सारी की सारी विदड्रॉ कर ली गई है, वो सारी की सारी वापस कर ली गई है। द फ्रेश डेट शीट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड लेटर। और जितनी भी रेलिवेंट डेटशीट्स हैं, वो सारी डेटशीट बाद में नोटिफाई की जाएंगी, वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। ऑल कंसर्न आर हियर बाय रिक्वेस्ट टू स्टे कनेक्टेड। आप जुड़े रहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लेटेस्ट अपडेट के लिए, और जल्द ही इस एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि भाई बताओ क्या एग्ज़ाम होने हैं कि नहीं होने हैं, तो जो अभी तक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है DU की तरफ से, वो यही है, फिलहाल आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं जब तक कोई अगला नोटिस नहीं आता। अब जैसे 14 अप्रैल तक का हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के बाद फिर देखते हैं और क्या नया सिचुएशन रहती है, और उसके अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट बॉडीज़ हैं वो क्या डिसीजन लेती है। तो इतना ही बताना था मुझे आपके लिए। आपको अगर ये वीडियो रेलिवेंट लगे तो शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी जो दुविधा है वो दूर हो सके। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।